है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही अब हरियाणा में राजनीति का दौर शुरू हो चुका है और इसी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि रोहतक से सांसद है, उनकी माता आशा हुड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा है, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने अब तक कितनी हत्याएं की है वो जवाब दे, कि जो पंचकुला में बाबा राम रहीम के समर्थकों पर गोलियां चलाई गई थी और वो हत्याएं करवाई गई थी वो किसने करवाई है। उन्होंने आगे इंटरव्यू में बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रोहतक पर सवाल उठाती है, कृपया करके वो ये भी बताए कि जो हिसार में और जो पंचकुला में हत्या हुई थी वो किस कारण हुई थी, कि बाबा राम रहीम के समर्थकों को पहले पंचकुला बुलाया गया और इतनी संख्या में इकट्ठा किया गया और उसके बाद उन पर ऐसे गोलीबारी की गई जो कि सरकार की नाकामयाबी जताती है। देखिए क्या कहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा की माता आशा हुड्डा ने, जो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद है रोहतक से। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूँ, जब किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल होती है और वहाँ जवान बच्चों की जान चली जाती है, क्या राजनीति के शीर्ष पे बैठे व्यक्ति का ये फर्ज नहीं है कि वो कम से कम दुख तो व्यक्त करें? आप एक बार भी मुख्यमंत्री जी का या किसी मंत्री का ये बयान दिखा दीजिए कि पुलिस फायरिंग में मरे लोग, चाहे वो 2014 में हिसार में रामपाल के आश्रम को खाली करवाते वक्त पुलिस फायरिंग में 10 के करीब लोग मरे थे, फरवरी 2016 में रोहतक में जान माल का नुकसान हुआ, बच्चे मरे, लोगों के घर जले, उसके बाद पंचकुला में जब बाबा राम रहीम के समर्थक इकट्ठे हुए, पहले उनको इकट्ठा होने दिया गया, फिर वहां फायरिंग करवाई गई, वहां बहुत से लगभग 40 से ऊपर लोगों की जाने गई, क्या किसी ने एक भी संवेदना का शब्द कहा? रोहतक के लिए तो ये हुड्डा साहब को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन जो जाने पंचकुला में गई, हिसार में गई, उनके लिए कौन जिम्मेवार है? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई जान नहीं गई, और अब आप गिन के देखिए कि इन 4 सालों में कितनी जाने गई हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये जवाब देंगे या केवल दूसरों पे उंगली उठाना जानते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि सभी अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है दोस्तों कि पंचकुला में जो कुछ हुआ था उस पर किसी भी राजनीतिक नेता ने कोई भी एक भी संवेदनशील बयान नहीं दिया था, बल्कि सभी मौन थे। और वहीं आपको बता दें कि वहां पर जो हादसा हुआ था उसमें 44 लोगों की जाने गई थी जो कि हरियाणा गए थे, जिस पर कि मनोहर लाल खट्टर ने खुशी जताते हुए कहा था कि जो बाबा राम रहीम को सजा सुनाई गई है और जेल में भेजा गया है उसके लिए तो विदेशों से भी पीठ थपथपाई गई है, लेकिन वो भूल गए थे कि जो हरियाणा में 44 मासूमों की जान गई है वो शायद नहीं जानते थे कि वो भी हरियाणा के ही गए है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।